जोबट में कोरोना संक्रमण के चलते अलीराजपुर जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता द्वारा जिले में 14 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 5 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर सुरभि गुप्ता द्वारा कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती देखकर जनता से अपील भी की गई है। जी। सभी को नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता कलेक्टर अलीराजपुर बोल रही हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है, विगत दिनों में कोरोना संक्रमण के केसेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है जिले में, जिसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई और सभी की सहमति उपरांत आज से ज़िले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आज 14 अप्रैल शाम 6 बजे से सोमवार 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक ज़िले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और केवल आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी, जैसे आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा के लिए छूट है, जो पेट्रोल पंप्स है या गैस सिलेंडर की सप्लाई है, चिकित्सालय है, दवा की दुकानें हैं, इन्हें छूट रहेगी। गेहूँ उपार्जन का काम, टीकाकरण का काम निरंतर चालू रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के आवागमन प्रतिबंधित है, बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी से पुनः अनुरोध है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। साथ ही मैं सभी से यह अपील करती हूँ कि कोरोना से बचने के लिए निरंतर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और नियमित रूप से हाथ धोएं, अपने घर की भी साफ सफाई नियमित रूप से करें और साथ ही सर्दी खांसी जुकाम बुखार सांस लेने में तकलीफ होने पर अपने निकटतम फीवर क्लिनिक पर जाकर तत्काल कोरोना की जांच कराएं। धन्यवाद। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए जोबट से रितेश अगाल की रिपोर्ट।